अब टाइम सुबह के 11:30 हो रहे हैं और बहुत दिनों बाद अपनी टाटा नैनो लेके निकल चुका हूँ। वैसे तो मैं कल रात को भी गया था इसे लेके बाहर, लेकिन वीडियो नहीं बनाई। और अभी के टाइम लेके जा रहा हूँ इसे वर्कशॉप। इसमें 2-3 दिक्कतें आ रखी है ना, उसे ठीक कराने। एक तो ये इंजन लाइट जल रखी है और दूसरी दिक्कत ये है कि ये बार बार बंद हो जाती है रोड पे चलते चलते, तो वो भी चेक करवाना है। सारी चीजें चेक करवा लेंगे इसकी आज। और यार गर्मी बहुत ही ज्यादा हो रही है दिल्ली में। अभी तो फिलहाल एसी सही काम कर रहा है इसका, तो इसीलिए आराम से एसी चला के जा रहा हूँ। इसमें यार वो नहीं है पावर स्टीयरिंग, एक हाथ से काटना बहुत मुश्किल है इसे। थोड़ा सा तो कट जाता है लेकिन ज्यादा नहीं। देखो यहाँ पे ज्यादा कट है तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। पावर स्टीयरिंग होता ना तो और मजा आ जाता। वैसे ये भी ठीक ही है, अपना काम तो चल ही रहा है इसमें भी। और अभी कुछ इस तरह के रास्ते पे हूँ, वर्कशॉप यहाँ से पास में ही है जहाँ चेक करानी है। इस बार यार ठीक ही करवा देंगे इसे, बहुत दिन हो गए। जब तक गाड़ी ठीक ना हो ना तो मजा नहीं आता। कल भी मैं इसे ले गया तो डरते डरते ले गया कि रास्ते में बंद ना हो जाए, वरना फिर धक्का लगा के घर लानी पड़ती। धक्का तो नहीं लगाना पड़ता, 5-10 मिनट रुक के स्टार्ट करो ना तो हो जाती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है। पर यार गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। और उत्तराखंड से आने के बाद यार इसे चला रहा हूँ ना तो बहुत ही ज्यादा अजीब चल रही है। कल चलाई थी, कल तो और ज्यादा अजीब लग रही थी, आज तो फिर भी ठीक लग रही है क्योंकि आदत हो गई ना। ज्यादा दिन ना चलाओ ना तो इंसान भूलने लग जाता है। चलो अब इसे ले जाता हूँ, आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, वहां जाके आपको अपडेट देता हूँ। तो फाइनली पहुंच चुका हूँ, देखो ये रही दुकान। तो यहाँ पे चेक कराते हैं। और यार इसका एसी कितना बढ़िया काम कर रहा है अभी के टाइम, मन ही नहीं कर रहा इससे बाहर निकलने का। बस ये थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं ना इसमें, ये ठीक हो जाए तब तो गाड़ी बढ़िया हो जाएगी ये गर्मियों के लिए। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards your... तो अब देखो मैं किस गाड़ी में आके बैठ गया हूँ। पोर्श ऑटोमेटिक है ये, ऑटोमेटिक। तो पहली बार बैठ रहा हूँ मैं किसी ऐसी गाड़ी में। और इसमें ये भी है सनरूफ, ये देख लो इसका गियर लीवर, बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। तो अब खुल रही है इसकी सनरूफ, पूरी खुल जाएगी। और इसकी सीट्स भी ना यार बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये देख लो ऐसी है। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल कुछ ऐसा दिखता है इसका, इतनी सारी चीज़ें दिखाती है ये। इस गाड़ी का नाम है पोर्श केनन। और गेट भी यार इसका बहुत ही ज़्यादा भारी है, नैनो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। और गाड़ी भी इतनी बड़ी है ये, ऐसा लग रहा है एकदम हाथी जैसी गाड़ी। हमारे इधर तो ये जा ही नहीं पाएगी, और ऊपर से ले जाना सेफ भी नहीं है इतनी महंगी गाड़ी को। मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ के आसपास की नई गाड़ी है ये। और इसमें ये भी है पेडल शिफ्टर्स, मैंने बस आज तक वीडियो में देखे थे, आज पहली बार छू के देख रहा हूँ। चलो चलते हैं अब इस गाड़ी से बाहर। वैसे यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हो रखी है तरह तरह की। तो फाइनली अपनी नैनो लेके निकल चुका हूँ वापस घर की तरफ। और अब देखो इसकी इंजन लाइट बंद हो चुकी है, ये देख लो। यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो। तो स्कैनर लगा के इंजन लाइट कर दी है बंद। और इसमें ना एक चीज चेंज हुई है, वो है स्पार्क प्लग। और स्पार्क प्लग चेंज होने के बाद सारी दिक्कत यार खत्म हो गई, अब तो ये भाग रही है। पहले तो एसी चला के ऐसे दब रही थी ये, पूरी रेस दबा दे रहा था तब चल रही थी, अब तो फर्क ही नहीं पड़ रहा एसी से, ऐसे नॉर्मली चल रही है। और लाइट भी अपनी बंद हो चुकी है, इंजन चेक लाइट। अब लेके चलते हैं इसे घर। बाहर तो यार बहुत ही ज्यादा गर्मी है, लेकिन अंदर थोड़ा ठंडा ठंडा हो रखा है। थोड़ा क्या, अंदर पता नहीं चल रहा गर्मी का, लेकिन बाहर पता चल रहा है। स्पार्क प्लग से हो सकता है एसी भी इसका थोड़ा और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अब लेके चलते हैं नैनो को वापस घर। अब यार क्या बढ़िया चल रही है ये, पावर भी ठीक हो गई। एक बार एसी बंद करके देखूं। ओ भाई, एसी बंद करके तो और ज्यादा पावर हो गई है।
एसी ऑन कर देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सारी दिक्कत इसमें आ रही थी ना, वो स्पार्क प्लग से आ रही थी। इसके स्पार्क प्लग खत्म हो गए थे। दो डलते हैं इसमें, दो स्पार्क प्लग। So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything. तो फाइनली नैनो को लेके पहुंच चुका हूँ वापस अपने घर, और अब तो यार सही चल रही है। अब देखते हैं दोबारा से वो लाइट आती है या नहीं आती, क्योंकि पहले भी ना दो तीन बार वो लाइट हटवाई थी मैंने, लेकिन फिर दोबारा आ गई थी अगले दिन कुछ घंटे बाद। तो इस बार भी देखते हैं आती है या नहीं आती, कल पता चलेगा या शाम तक पता चल जाएगा। एक बार शाम को भी ना स्टार्ट करके देखूंगा। और फाइनली घर तक तो ले आया, पर यार गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। कार का एसी भी ना मतलब ठंडा तो कर दे रहा है, इतना कर दे रहा है कि उतनी गर्मी नहीं लग रही, लेकिन हल्की फुल्की तो लग ही रही है। ऊपर से इसके एसी ना वेंट भी ख़राब है, जैसे ये देखो एकदम लूज़ है, ये ऐसे बंद हो जाता है, और सीधा करो तो एकदम सीधा हवा फेंकता है इस तरफ। मेरे मुँह पर करने के लिए इसे इतना करना पड़ेगा, लेकिन ये इतना होता ही नहीं, इतना करो तो ऐसे हो जाता है। इसमें एक ही वेंट है, ये वाला तो ठीक है और वो वाला भी ठीक है, ये दोनों चेंज कराने पड़ेंगे, पता नहीं कहाँ मिलेंगे। वैसे तो हवा ठंडी फेंक रहा है। तो अब टाइम शाम के 5:30 हो रहे हैं, और देखो नैनो में दोबारा से वो लाइट आ चुकी है, इंजन चेक लाइट। वैसे ये जब मैं आया था ना उसके एक घंटे बाद ही आ गई थी, पर मैं अब दिखा रहा हूँ शाम को। पता नहीं यार क्या दिक्कत है, दोबारा आ गई। अभी तो एकदम परफेक्ट चल रही थी दोपहर में, अब इसे लेके दोबारा जाना पड़ेगा कल परसों दुकान पे। दिक्कत तो यार इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल ही है, कोई तार वार लूज हो रही है या फिर ऐसे कुछ हो रहा है इसमें। वैसे तो ठीक है, दिन में तो क्या मस्त चल रही थी, एकदम भाग रही थी और सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट चल रही थी। तो दिखाना पड़ेगा अब कल दोबारा या फिर परसों, हट ही नहीं रही है वो लाइट। अब मेरे ख्याल से चलाऊंगा तो वैसी चलेगी जैसे पहले चल रही थी, दब दब के। तो अब देखते हैं कल, देखेंगे क्या करना है इसका। अभी तो फिलहाल स्कूटी लेके चलते हैं बाहर। तो नैनो में से सामान निकाल लेता हूँ थोड़ा, और स्कूटी को लेके चलते हैं बाहर। तो निकल चुका हूँ अब घर से स्कूटी लेके, और आज यार मेरे को नैनो के लिए ना एक चीज खरीदनी है, देखता हूँ आते टाइम खरीद के ले आऊंगा। ये देखो यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सारी रोडें खोद दी है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है यार रोड ख़राब होने की वजह से। एक तो यहाँ धूल मिट्टी इतनी उड़ती है, गले में लग गई धूल। तो अब पहुँच चुका हूँ कुछ इस तरह की जगह पे, जहाँ पे लग रखा है बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जैम। यार दिल्ली की गर्मी ना बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुकी है। पहले दिल्ली में पता है क्या होता था, सुबह शाम ठंडी हवा चलती थी चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन अब सुबह शाम भी लू चल रही है, रात के 12:30-1 बजे भी गरम गरम हो रखा है। और अब अपनी नैनो को लेके कल जाएंगे दोबारा से ठीक कराने के लिए, देखते हैं अब क्या होता है उसमें। आज हमने प्लग चेंज करे लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, थोड़ी सी ठीक तो हो गई थी घर लाते टाइम, लेकिन घर आते ही वो जल गई उसकी इंजन चेक लाइट। अब कल ना एक चीज़ और ये चेक कर लूँगा कि चलाने में कैसी है, अगर चलाने में ठीक होगी, पिकअप कम नहीं हो रहा होगा, बंद नहीं हो रही होगी, तब तो ठीक है। क्योंकि घर लाते टाइम तो एकदम परफेक्ट चल रही थी, पिकअप भी एकदम बढ़िया था, एसी ऑन करके भी। जब मैंने कल रात को चलाई थी ना तो बिल्कुल भी पिकअप नहीं ले रही थी, जब मैं पूरा एक्सीलेटर ऐसे दबा दे रहा था ना तब धीरे 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 चल रही थी। और आज सुबह भी जब दुकान पर ले जा रहा था ना तब भी ऐसे पिकअप था, लेकिन दुकान से वापस आते टाइम एकदम भगती हुई आ रही थी। अब देखते हैं कल चला के देखूंगा कैसी चल रही है। एक तो हमारे यहाँ रोड भी नहीं है ना, इंसान ऐसे चेक भी नहीं कर सकता, चेक करने के लिए पहले उसे सही टाइम ढूंढना पड़ेगा जिस टाइम भीड़ कम होती हो, फिर उस टाइम गाड़ी बाहर निकालनी पड़ेगी, फिर चेक करना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम है हमारे यहाँ। अब कल भी उसी टाइम निकालूंगा उसे बाहर जिस टाइम आज निकाली थी 11:30-11 बजे, फिर चेक करूंगा और ले जाऊंगा दुकान पे, देखते हैं कल क्या होता है उसमें। अब चलते हैं अपने काम पे। देखो यहाँ पे साइकिल मिलती है रेंट पे, और ऊपर से दिल्ली में ना ये वाला जो रोड है BRT वाला, इसमें साइकिल के लिए अलग सा रास्ता है, तो डेली इस पे चलाया करूँगा जहाँ तक ये रोड ख़त्म होता है। बहुत ज़्यादा किलोमीटर का है ये भी, इतना रोड इनफ है वैसे, इतने में मेरा स्टॉक पूरा हो जाएगा, आराम से साइड साइड में चलाऊंगा फुटपाथ पे। और इस वाले रोड पे रिस्क भी नहीं है, इसलिए मेन रोड पे चलाने में तो बहुत डर लगता है मेरे को साइकिल, क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं है, ना शीशे होते हैं पीछे देखने के लिए, ना इंडिकेटर्स होते हैं, और ऊपर से रोड में गाड़ियां चलती रहती है इतनी सारी, वो भी स्पीड में,
तो रिस्क है। तो बस इस वीडियो को भी यहीं पे ही एंड कर देता हूँ, आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। जय हिंद। Will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prize.